ये पार्टी जो ईमानदारी की बात करके और सबको भ्रष्टाचारी लाके आज दिल्ली के अंदर जो है गवर्नमेंट चला रही है, उसके कारनामे आपने लिख लिए। इनका हर दूसरे तीसरे दिन एक ही काम होता है, कोई नई स्कीम लाते हैं जिस स्कीम का सिर पैर नहीं होता है, और बाद के अंदर एसजी हाउस को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को या कांग्रेस पार्टी को या बीजेपी को उनको ब्लेम करते रहते हैं। और इन्होंने ये जो स्कीम बनाई है उसके अंदर ये नहीं देखा कि जिस कंपनी से ये कैमरास खरीदने वाले हैं वो चाइना गवर्नमेंट की अपनी कंपनी है, और वो इसके अंदर एक चिप डाल के चाइना में आराम से बैठ के देखते रहते कि कौन कनॉट प्लेस में घूम रहा, कौन चांदनी चौक में घूम रहा, और सारी चीज उनके हाथ में होती। और अगर वो स्पेसिफिकली किसी आदमी को एम करना चाहते तो उसको लोकेट करके भी जो है वो उसमें एम कर सकते। इतनी बड़ी सिक्योरिटी रिस्क जो है भारत की राजधानी के अंदर इन्होंने ली है, वो भी चंद नोटों के लिए, चंद पैसों के लिए। ये देश के साथ जो है जो इन्होंने ये हरकत करी है, मैं समझता हूँ कि इसको हम लोग माफ नहीं कर सकते। मैं दिल्ली वासियों से ये भी कहना चाहूँगा कि आज जो दिल्ली की हालत है बड़ी दयनीय है। हर आदमी जो है इस समय परेशान है, उनके उनको जो है जो पॉल्यूशन हुआ है पिछले 4 साल से, दिल्ली का आकाश भी काला हो गया है। आपको जो है हर तरफ पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन नजर आता है, हर एक की सेहत खराब हो रही है। तो आज भी समय है कि दिल्ली वाले जाग जाएं और सोच विचार के जो है इनकी बात सुने, और जो ये कहते हैं उसके अंदर 10% सच्चाई होती है, 90% झूठ होता है। तो ये दिल्ली वासियों को देखना है कि आगे जो है किस तरीके से उन्हें जो है काम करना है। धन्यवाद।